मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम की खिताबी जीत पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी खुशी जाहिर की है। सिंधिया ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रणजी ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा जीतकर मध्य प्रदेश की टीम ने इसे गौरवशाली इतिहास को रचा है। सभी खिलाड़ियों को महाविजय की बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीम के कोच चंद्रकांत पंडित का अनुभव और आदित्य श्रीवास्तव की कप्तानी के साथ सभी खिलाड़ियों के जोश ने सफलता दिलाई है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश का हर प्रशंसक आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पहली बार मध्य प्रदेश की रणजी टीम ने खिताब जीता है, जिसके लिए पूरी टीम बधाई के पात्र है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की टीम सोमवार को इंदौर आ रही है और पूरे इंदौर के प्रशंसकों से निवेदन करूंगा कि एयरपोर्ट पर पहुंचे हम इंदौर की गौरवशाली परंपरा के अनुसार खिलाड़ियों का स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि इंदौर के MPCA कार्यालय और रीगल तिराहे पर मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाया गया। रीगल तिराहे में बड़ी संख्या में मौजूद क्रिकेट प्रशंसकों के बीच आतिशबाजी की गई। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय, देवाशीष निलोसे, विधायक रमेश मिंदोला आदि ने शहर के क्रिकेट खिलाड़ियों को मिठाई खिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। मध्य प्रदेश जीत गया, बहुत बहुत बधाई रणजी ट्रॉफी में विजय के लिए।